गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, टाइम 7:15 का हुआ है और देखो मम्मी जी ने पूजा कर ली है, गोपाल जी को नहला रही है। देखो भाई देखो, ये रही नहला गोपाल जी को। अरे देखो देखो सिस्टर को, ये हो रही रेडी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस माया। आप सब सोच रहे होंगे कि हम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। वैसे मैं तो डेली उठ जाती हूँ, बट प्रियांशी जो है बहुत लेट उठी है। और भाई हमें लेट लतीफ आदमी आज तो प्रियांशी भी नहा धो के रेडी हो गई है, बिकॉज आज है सावन का पहला दिन। वैसे तो कल से श्रावण लग गया था पूर्णिमा से, बट आज है पहला दिन। तो हमारे गाँव के हम लोग जा रहे हैं और प्रियांशी जी सोच रही है कि पूरा महीना वही जाए सावन के। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं शिव मंदिर पर मत्था टेकने, तो ये आप भी हमारे साथ। जय भोले भंडारी की। हमारे कान्हा जी को लगाओ। लग गया क्या? बनाया तूने? बना देगा पूरा? वो देखने का नहीं भाई, उसको देखते हैं। ओ समझ नहीं आ रहा, तूने आपने कुछ बनाया? बस अभी समझ नहीं आ रहा। चलो मम्मी कर दी पूजा एंड ये राम मंदिर, तो भाई चलिए पूजा कर ली इन्होंने, चलते बाहर। भाई देखो हमारे गांव के मंदिर पे भंडारा लगता है। देखो गाइस हरियाली ही हरियाली हमारे गांव में। हम जा रहे भाई घर पे। ये है हमारी गली, बिल्कुल सुनसान हो रखी है। आज तो सुबह ही सुबह दो घर के मेंबर बाहर ही निकले। ये हमारी भूरी और हमारा टाइगर धनवार है। ये देखो भरी और टाइगर का टाइगर, ये देखो इधर टाइगर 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 टाइगर। गाइस को बोल दे हेलो गाइस। हमारी गली भाई सुनसान हो रही है आज सुबह ही, क्योंकि सब बच्चे ना स्कूल चले गए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। हम आ गए घर पे गाइस, और अब मैं जा रही हूँ ड्रेस बदलने, क्योंकि भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। सूट वगैरह तो पूरा दिन पहना नहीं जाता। अब मैं चेंज कर लूँगी और फिर मुझे अपने घर पे पूजा पाठ करनी है अपनी, और फिर मैं करूँगी स्टडी 10 बजे तक। फिलहाल 8 बज चुके हैं हमें आने में। बस आज तो ये कि फर्स्ट डे था तो वहाँ पर भीड़ नहीं थी, वरना हमारे गाँव के शिव मंदिर पर ना इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़बरदस्त भीड़ रहती है बहुत। क्योंकि अभी तो आज तो मतलब भंडारा तो वैसे हमारे यहाँ पे कल से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी भीड़ जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे ही भंडारे में भी भीड़ बढ़ेगी। तो बहुत वहाँ पे बहुत कम ही लोग बाग थे, बस दो बंदे मिले हमें पूजा करते हुए हमारे से पहले, फिर उसके बाद हमने करी और हमारे बाद एक भैया थे बस। अभी वहाँ पे इतने खास लोग नहीं थे। तो चलिए भाई अब हम लोग करते हैं कुछ स्टडी। गाइज हम लोगों ने वीडियो वगैरह शूट कर लिए और अब हमने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लिया है। प्रियांशी गई है ट्यूशन और हमें घर पे। मैं अंशी का ज्योति मम्मी हम घर पे हैं, भाई प्रियांशी गए हैं बाहर। ये हमारा टाइगर छोरा नीचे देखो। गाइस अभी मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखाती हूँ, इतना ऑसम हो रहा है ना बहुत। बट हमारे यहाँ पे बारिश नहीं आ रही है, लेकिन बादल तो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो रखा है। मैं दिखाती हूँ आप, ये छत भी दिखा दूँ आप लोगों को, ये कितना ब्लैक ब्लैक हो रहा है। महाराज देखो देखो ज्योति जा रही छत पे फुल एंजॉय करने, मैं भी आ गई ज्योति के साथ ही। और ये हमारे पुष्प पौधे आपको पता ही है, यही हमारे यहाँ पर बस दो फूल के पेड़ यही लटकते छटकते रहते हैं भाई। सुपर बिल्कुल ओसम नज़ारा। कौन सी का कहाँ जा रही? इधर आ जा चुड़ैल, गिर जाएगी तो नीचे चोट लग जाएगी तुझे। फोटो शूट कराना, देख लो भाई फोटो शूट के चक्कर में ना कहाँ कहाँ जा रही है। और ये देखो ज्योति का, ज्योति फूलों के पास खड़ी, इसे भी फोटो शूट कराना। और मुझे देखो
पता नहीं मैं तो कैसी लग रही हूँ। गाइस हम लोग नीचे आ गए थे और जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पे मौसम बहुत औसम हो रहा था और हम लोगों ने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनाई और जो हमने हाथ के हाथ अपलोड कर दी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो यार, प्लीज प्लीज। और आज हमारे घर पे ना मम्मी एक नई डिश बनाएगी जो हमने पहले खाई थी बचपन में, दादी ने बनाई थी और आज हमारी मम्मी बनाएंगी और देखते हैं कैसी लगेगी। तो उसके लिए देखते हैं मम्मी क्या क्या तैयारियाँ कर रही है। गाइज मम्मी ने ना अपनी डिश के लिए सबसे पहले बेसन छान के रख लिया। गाइज मम्मी अब क्या कर रही है, तो मम्मी आज क्या बना रही हो तुम? ये गागले के पत्ते हैं और हिंदी गांव में बोलते हैं कि गागले के पत्तों की पतोड़ बना रहे। अच्छा पतोड़ बना रहे हैं आप, तो गाइज आपको पता चल गया होगा ये ना गागले मीन्स अरबी के पत्ते हैं। ये अरबी के पत्ते हैं, ये गांव में तो वैसे खेतों में भी मिल जाते हैं बट मार्केट वगैरह में, शहरों में मार्केट्स में मिल जाते हैं और हमने भी मार्केट से मंगाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई खेतों में नहीं जाता है। तो अब आप सब देख ही सकते हैं मम्मी इनको ऐसे कट कर रही है। पहले मम्मी ने इनको अच्छे से धुला, देखो इनको अच्छे से धुला और उसकी मम्मी, और एक तरफ मम्मी ने चूल्हे पे ना ये देखो ऐसे पानी के अंदर ना ऐसे लकड़ी रखी हुई है। गाइस मम्मी ने ना पत्तों को पहले काट लिया था, उसके बाद उसमें बेसन मिलाया जो आपने देखा था स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद इनको ना बहुत अच्छे से मैश किया बहुत अच्छे से, और फिर देखो ऐसे हाथ से ना ऐसे करी मम्मी, और ये मम्मी ने ना कुछ रेडी करके रखी। देखो आप इन्हें देखने में टेस्टी लग रही, मेरा तो मन कर रहा अभी इसे खा लूँ बट ये अभी खा नहीं सकते हम, अगर इन्हें हम अभी खाएंगे ना तो मुंह में ना खुजली आ जाती है बहुत ज़्यादा। इधर ये नमक मिर्च टेस्ट कर रही थी गाइस और इसके ना मुँह में खुजली आ गई फिर बहुत ज़्यादा। चलो ये देखो भाई पानी में भी ना बहुत ज़्यादा रखा बिल्कुल, मम्मी क्या कुछ करेगी हमारी तो समझ से बाहर है। ये देखो मम्मा को ये रख रही भाई और बस अब ये स्टीम होंगे और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। ये देखो मम्मी जी को गर्मी में पसीना पसीना हो गई हमारी मम्मी जी, और अंशिका का देखो भाई कितने गौर से देख रही, और ये सिस्टर अब पढ़ाई कर रही और मैं आई थी कि सोई ला रहे हैं इनमें, तो चलो इन्हें उतार ले पहले। मम्मी अभी इनमें क्या करना आ गए तो बता दो। चलो ये बन चुकी है हमारी अरबी के पत्तों की पतोड़, ये देख सकते हैं आप कितना टेस्टी है। और ये मैंने बनाई है चाय, और मुझे ऐसे ही बर्तन में चाय पीनी पसंद है, कुछ लोग कप में पीते हैं बट भाई मुझे तो ऐसे ही पसंद है। अंशिका तो पागल होगी, इसे तमीज भी नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखो यहाँ पे प्रियांशी मैडम जी फ्राई कर रही हैं इनको, इन्होंने ऐसे कट करके रख रखी है, आपने देखा ही होगा भगोने में से निकाली फिर ठंडी की, भाई ठंडी की उसके बाद निकाली और अब यहाँ पे तेल में फ्राई हो रही है। और ये प्रियांशी ने बनाया कुछ ब्रेड पकौड़े विदाउट आलू। यस अब मैं चल रही भाई, ये मेरे से तो रुका भी नहीं जा रहा यार, टेस्ट करने जा रही मैं तो, बस पहले लड्डू गोपाल को खिलाऊंगी अपने और फिर खुद खाऊंगी। ठीक है गाइज मैं खाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, आप भी अपने घर पे बनाइए और इन्जॉय कीजिएगा। गाइज रात के 10:30 बज रहे और भाई देखो उस टाइम सिस्टर मेरे बाल बांध रही, असल में सारे बाल लगाना जुड़ा था खुल गया था और सारे बाल इधर उधर भी कर रहे थे। आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी इस बार बाल बांधने की, मैडम जी बांध देंगे। हाँ ₹500 कोई बात नहीं, 1000 दे देंगे बस सैलरी आने पर। ₹500 एक्स्ट्रा लूंगी मैं, ठीक है? क्या आप लोग भी सहमत हैं? भाई रात के 10:30 बजे भी काम हो गया।